हाँ जी दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर एक नज़र डालेंगे कि भाई इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरी मार्केट की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि BTC की प्राइस इस वक्त $9,581 यानी कि $9,581 के करीब करीब है। उसके अलावा इथीरियम ने अच्छा खासा पंप मारा है, इस वक्त $273 के करीब करीब है। इसी तरह ही XRP जो है 0.20 के करीब करीब, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं तकरीबन सारे कॉइन्स। फिर भी मैं चेंज चेक करता हूँ कि 24 आवर्स का जो चेंज है उसमें ये फ्लेक्सा कॉइन सबसे ज़्यादा 44.58%। उसके अलावा डिजीबाइट जो है इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि छोटे छोटे जितने कॉइन्स हैं ना वो बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं। उसके अलावा इथीरियम जो है वो भी काफ़ी ही अच्छा मूव करता नज़र आ रहा है। 242 से मेरा ख्याल है इसने पंप मारा है 273 के करीब करीब, तो काफ़ी अच्छा गेन दे के गया जिन लोगों के पास इस वक्त इथीरियम मौजूद है। तो एक तो इसको आके चेक करो कॉइन मार्केट कैप को कि इस वक्त जौन से टोकन्स हमारे पास हैं आया भाई उनकी क्या सूरत हाल इस वक्त ऑन गोइंग है, तो इसको लाजमी आके चेक करना। इस वक्त काफ़ी अच्छे रेट जो हैं, मतलब ओवरऑल कॉइन मार्केट कैप जो है वो अच्छा जा रही है। बट एक सोचने वाली चीज़ ये है, आप लोग हमेशा सबसे पहले जब भी आके कॉइन मार्केट कैप को आके देखो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है BTC डोमिनेंस। दोस्तों BTC डोमिनेंस जो है वो स्टेडिली डिक्रीज कर रही है इंक्रीज करने की जगह, यानी कि इसको बढ़ना चाहिए टाइम टू टाइम, बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि BTC डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाई जा रही है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि भाई ये कह सकते हो कि आप आल्ट कॉइन्स के अंदर लोग पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं, BTC के अंदर मतलब इनफैक्ट पैसा लगाना नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कॉइन गैको के ऊपर देखा था तो उस वक्त कोई 9.89 के करीब करीब इथीरियम की डोमिनेंस जारी थी पूरी कॉइन मार्केट कैप के अंदर। तो प्रॉबेबली इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये जो डोमिनेंस यहाँ पे हमें कम नज़र आ रही है 61.5 के करीब करीब, कि भाई ये हो सकता है कि लोग आल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख लो छोटे छोटे कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हम लोग आपको यहाँ से मैं एक और चीज़ भी दिखाता चलता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद भी आसानी होगी कि भाई यहाँ पे जो हमारे गेनर्स और लूजर्स जो है ना, इसमें गेनर्स जो हैं बिल्कुल छोटे 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 जो आल्ट कॉइन्स हैं वही तकरीबन ज़्यादातर गेनर्स में, आप लोग खुद देख लो आके यहाँ पे इनकी प्राइस जो है मतलब अपना सेंट से भी नीचे है जो इस वक्त गेनर्स की तरफ जा रहे हैं। तो इट मींस इसमें पहली रीज़न जिस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई लोग आल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं बड़े कॉइन्स की जगह। या दूसरी जो एक ऑप्शन हो सकती है वो ये है कि भाई ये एक बुल ट्रैप है। बुल ट्रैप इस तरह के मेरे जैसा या आप जैसा, हम लोग जैसा एक नॉर्मल आदमी क्या देखेगा कि भाई मार्केट तो भाई जा रही है ऊपर, अब फटाफट ज़्यादा नहीं, चलो यार हम अपना चेन लिंक ले सकते हैं ना, कोई पाँच दस हम ले लेते हैं। उसके फौरन बाद ही बुल ट्रैप इस तरह होता है कि एकदम मार्केट को ऊपर जाती 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 आप लोगों को दिखाए, जब हम जैसा कोई बंदा एंट्री मार ले तब वेल्स और नॉर्मली तमाम टीम जो है वो एग्जिट मार लेती है। उससे क्या होता है कि सारा पैसा हमारा जो है वो लग जाता है और उसके बाद वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो एक तो रीज़न ये मुझे लगती है कि भाई ये एक बुल ट्रैप है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं मतलब देख रहा था काफ़ी देर से, गूगल के ऊपर बैठा सर्च मार रहा था कि हाँ भाई ये क्या चक्कर क्या है कि BTC डोमिनेंस नीचे जाई जा रही है और मार्केट जो है ऊपर को जाई जा रही है। तो इसमें एक तो बुल ट्रैप की वजह है, या दूसरी वजह यह है कि भाई लोगों का अब बड़े कॉइन्स के ऊपर से जो एतबार है वो ख़त्म हो चुका है और उनका इस वक्त मुकम्मल एतबार जो है वो छोटे छोटे जो होते हैं ना, मतलब चिद्दी मिद्दी किस्म के जो टोकन्स होते हैं उनके ऊपर लग चुका है उनका ध्यान, तो उस वक्त वो उन्हीं के अंदर पैसे लगा रहे हैं। और आजकल जिस तरह के एक बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है कि डीफ्लेशनरी और डीफाई टोकन्स, इनके ऊपर आजकल इतनी बहस चल रही है कि आप सोच नहीं सकते। तो उस हवाले से भी मैं एक अलहदा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि भाई हमें कौन सा कॉइन ख़रीदना है। खैर ये थी ये तमाम सूरत हाल थी कॉइन मार्केट कैप की। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं एक टोकन आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहूँगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा टोकन है, मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ, DMM के नाम से। अभी तो इसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, 1 point something के 1.20। IDEX एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हो दोस्तों। इसकी वजह ये है कि आप यहाँ से देख लो 25 करोड़ इसकी टोटल जो है यहाँ से सप्लाई है, करोड़, हाँ बिल्कुल 25 करोड़, मुझे लग रहा है 2.5 करोड़ तो नहीं कहीं, खैर मैं गलत बोल गया तो बाद में बिस्ती बड़ी होनी है आप लोगों से। खैर ये भी DeFi टोकन है दोस्तों, तो इसको भी लाजमी एक दफा देख लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ अच्छा समझ आता है, क्योंकि इसकी एक अच्छी चीज़ जो है ना, मैं आपको इसकी वेबसाइट ओपन करके साथ साथ दिखाता चलता हूँ। आज खैर एयर ड्रॉप्स तो हमने करने ही करने हैं, मगर जिस तरह मैंने वादा किया था कि मैं कोई ना कोई एक अच्छा आल्ट कॉइन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। दोस्तों यहाँ पे इसमें यह है कि भाई वर्ल्ड इनकम जनरेटिंग एसेट्स जो हैं, मतलब कि किस तरह आपको अपनी ज़ुबान में हम सिंपल समझाता हूँ, समझ लो भाई एक वैगन डाली हुई है आप लोगों ने,
ठीक है, और वो जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है ना वो डीएमएम के अंदर आना। चलो सिंपल मैं आपको ये समझा देता हूँ इस तरह है, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो हम लोग आम जिंदगी में काम होते हैं, कोई फैक्ट्री चलती है या कोई स्टोर चल रहा है, कुछ भी है, उसकी इनकम जो है वो डीएमएम के अंदर घुसनी है। तो यानी कि रियल वर्ल्ड इनकम जो है हमारी फिएट करेंसी डीएमएम कॉइन के अंदर, ये जो टोकन है इसके अंदर घुसनी है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये फायदा देखे जा सकता है। और इस वक्त इसकी प्राइस जो है 1.20 डॉलर के करीब करीब है, काफी नीचे आया हुआ है। आईडेक्स एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग ऑन गोइंग है, यहां से देख सकते हो 1.18 पे। तो अगर आप इसको मुनासिब समझो तो इसको बाय कर लेना, आप लोगों को फ्यूचर में कुछ ना कुछ मुनाफा देके चला जाएगा। दूसरा टोकन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो है जी स्टार्टेरा के नाम से, यानी कि STA। दोस्तों कल इसके अंदर एक छोटा सा पंप आया था, मगर अभी इसको थोड़ा सा नीचे आने दो। इसकी सप्लाई भी थोड़ी सी लिमिटेड सी है, उसके अलावा अभी बिल्कुल नया नया टोकन है। रैंक भी आप देख लो, 2214 रैंक है इसका, और ये भी आपको मिल जाएगा, हॉटबिट एक्सचेंज पे भी मौजूद है, उसके अलावा हु एक्सचेंज पे भी और यूनिस्वैप पे भी। तो इसको भी आके जरूर चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको समझ आए, ये काफी निचली प्राइस पे इस वक्त 0.05 है, बट मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इसको बाय करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें एक फेक पंप जो है वो कल के दिन में टीम ने एक लगाया था, और वो अब बस आहिस्ता 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 आपको पता है जब ये क्लियरेंस की तरफ जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा ऐसा होता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा होल्ड करो, और ये जब आ जाएगा 0.04 और 0.03 के करीब करीब, तब इसको थोड़े से को बाय करके रख लेना। ये भी एक अच्छा आप लोगों को मुनाफा देके जा सकता है इन फ्यूचर, अगर अच्छी एक्सचेंजेस पे आ जाता है। हॉटबिट एक्सचेंज पे इस वक्त लिस्टेड है, तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट तरीन दो टोकन हैं, डीएमएम और एसटीए टोकन। लेके चलता हूं अब आपको एयर ड्रॉप्स की जानिब, ताकि हम फटाफट एयर ड्रॉप्स को ज्वाइन करें, ताकि वीडियो कहीं काफी ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो एक्सटेक के नाम से, यानी कि XTK के नाम से एक बाउंटी ऑन गोइंग है। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले पर्सनल सेंटर की ऑप्शन पे आओ, आने के बाद अपना वी बाउंटी का UID यहां पे एंटर करो, ताकि आप लोगों का काम बन जाए। उसके लिए यहां पे सिंपली क्लिक टू रिक्वेस्ट एन एड्रेस पे आ जाना, और आने के बाद वी बाउंटी पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उसके अलावा सिंपल इवेंट होम पेज पे जाओ, ज्वाइन नाउ के ऊपर आके क्लिक करो, इनका टेलीग्राम ट्विटर और साथ साथ अपने रेफरल लिंक को इस्तेमाल करो, ताकि कुछ ज्यादा फायदा कमा सको और XTK जो है उनका विदड्रॉल आपको मिल जाए। लेके चलता हूं अगली जानिब, यहां पे USDT आप लोग अर्न कर सकते हो थोड़ा सा। उसके लिए भी सिर्फ सबसे पहले पर्सनल सेंटर में अपना पर्सनल माई इथर वॉलेट का एड्रेस यहां पे एंटर करो, इवेंट होम पेज पे चले जाओ, तमाम यहां पे सोशल मीडिया को ज्वाइन करो, ताकि आपका काम बन जाए और कुछ ना कुछ USDT आप लोग यहां से अर्न कर सको। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अर्न विद फ्रीडम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नए आए हो तो हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। लेके चलता हूं अगले एयर ड्रॉप की जाने, PWT के नाम से कोई 9-10 डॉलर के टोकन आप लोगों को देके जाएंगे। अब आप लोगों ने सबसे पहले इनके ये जो ग्लोबल चैनल आपको नजर आ रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन करो। उसके अलावा अपना टोमो चेन का जो वॉलेट एड्रेस है वो आप लोगों ने निकाल लेना है पहले। उसके अलावा ये जितने को मैं हाईलाइट करने लगा दोस्तों आप लोगों के लिए, ये आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह यहां से कॉपी मारनी है, और कॉपी मार के आप लोगों ने सिंपली जाके यही एक ट्वीट कर देना है। इतने ही को, तमाम के तमाम को आपने जाके ट्वीट कर देना है, और ट्वीट करने के बाद अब आ जाइएगा फॉर्म की जानिब। यहां पे आके सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस, टेलीग्राम आईडी, अपना टोमो वॉलेट एड्रेस और जो आपने ट्वीट किया उसका लिंक लिखो, अपना काकाओ टॉक का आईडी यानी कि यूजर नेम लिखो, यहां चाहो तो अपने भाई की ईमेल एड्रेस लिख लीजिएगा, इट्स अप टू यू। तो ये था आज का एयर ड्रॉप PWT का, तो इसको लाजमी ज्वाइन करो। काफी शोर मचा रहे हैं, मतलब चाऊ इच्छा करके ना काफी ज्यादा ये मतलब खप पाई है इन्होंने कि भाई ये बस खत्म हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि PWT के टोकन आप लोगों को मिल जाएं। ये कोरियन बच्चे हैं जो कि हम लोगों को एयर ड्रॉप देने के लिए काफी ज्यादा तरसा रहे हैं। खैर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और लेके चलता हूं आज के लास्ट एयर ड्रॉप की जानिब। ये वीवो के नाम से है, तो यहां पे भी 10 डॉलर आप लोग कमा सकते हो। सिंपली स्टार्ट की ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करो, उसके बाद इनका कैप्चा सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। उसके अलावा तमाम सोशल मीडिया पे इनको ज्वाइन करो, अपनी तमाम डिटेल्स एंटर करो, तो आप लोगों का काम बन जाएगा और आपको इसके भी टोकन्स मिल जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे तमाम एयर ड्रॉप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी मतलब अपना शेयर कर देना, जो कि अच्छी न्यूज थी अबाउट कॉइन मार्केट कैप एंड ऑल, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ भला हो सके। बहुत शुक्रिया।